कैसे हैं आप लोग। तो आज की शुरुआत हम महावीर मंदिर से करते हैं। पीछे हमारा महावीर मंदिर है और हम हैं पटना जंक्शन पे। तो अभी का क्या है कि आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि हम लोग जर्नी करने वाले हैं पटना टू रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस का। और आपको तब तक बता दें कि पटना जो बना था 1861 ईस्वी में बना था। तो एक बार आप पटना का नज़ारा देख लें। पटना का स्टेशन कोड है PNBC जो कि 1861 से चल रहा है। जोन जो है ECR है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो 10 प्लेटफॉर्म है, 15 ट्रैक है। और यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं। पटना के साथ साथ आप तिरंगा को भी सैल्यूट करें। अगर समुद्र तल से बात करें तो 187 फीट ऊपर है, और जब कोरोना टाइम नहीं था तब 77 ट्रेन अप और 77 ट्रेन डाउन क्रॉस करती थी। 54 ट्रेन स्टार्ट और 54 ट्रेन इंड होती थी यहाँ पे। तो अभी कोरोना टाइम है तो कोरोना टाइम का टाइम में 52 ट्रेन का ही परिचालन है। तो अभी अपन लोग चलते हैं अंदर और जन शताब्दी एक्सप्रेस में बैठते हैं। जन शताब्दी एक्सप्रेस भाई साहब, गाड़ी जो है खड़ी है सामने। तो पटना टू रांची जन शताब्दी स्पेशल यहाँ लगी हुई है, जिसका कोड है 02363। पटना से इसका चलने का टाइम है 6:02 और रांची पहुँचाने का टाइम है 1:55। पटना से रांची का जो डिस्टेंस कवर करती है वो 410 किलोमीटर कवर करती है 7:53 पे। क्लासेस की बात की जाए तो इसमें 2 क्लासेस आते हैं, 2S और CC। तो आगे हम लोग चलते हैं और जन शताब्दी के बारे में आगे बताते हैं आपको। अपनी सीट D7 में है, 15 नंबर। तो अपन लोग चलते हैं अपनी सीट पे। तो भाई साहब, प्लेटफॉर्म संख्या 10:06 में पटना जंक्शन से खुल चुकी है जन शताब्दी और हम जा रहे हैं रांची की ओर। जन शताब्दी का कैसे क्या फंक्शन है, क्या बेचते हैं, क्या यहाँ उपलब्ध है, बताइए। चिप्स कुकड़े बेचते हैं। अच्छा, और का और इसमें बहुत ऐसा आइटम बिकता है, चिप्स कुकड़े है, पानी है। अच्छा, ऐसा बिकता है। अच्छा, सफाई होता रहता है। सफाई होता रहता है, सफाई वाला भी अच्छा काम कर लेता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। और यहाँ पे सारा चिप्स कुरकुरे वगैरह रखा हुआ है, पानी वगैरह। तो भाई साहब, अंदर से जो कोच का व्यू है जो ऐसा है, देख लीजिए, बहुत सुंदर पहले से हो गया है। तो भैया, गया जंक्शन का आप दर्शन कर रहे हैं अभी। तो आपका भाई पहुँच गया गया स्टेशन, लेकिन गया स्टेशन में पहले पहुँच गया है क्योंकि 25 मिनट पहले जन शताब्दी ने पहुँचा दिया है। टाइमिंग उसकी है यहाँ पे 7:55 और 20 मिनट के बाद 8:15 पर निकलती है, लेकिन आज उसने 7:31 पे ही पहुंचा दिया है। जंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो समुद्र तल से लगभग 384 फीट ऊपर है, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो 9 प्लेटफॉर्म और 14 लाइनें हैं। 1900 में इसे बनाया गया था और ये जोन ECR में ही आता है। तो कोरोना काल से पहले जो था 114 ट्रेनों का परिचालन था, जिसमें से 7 ट्रेन यहाँ से खुलती थी और 7 ट्रेन इंड होती थी यहाँ पे। लेकिन कोरोना टाइम में 16 ट्रेन का ही अभी परिचालन है। जैसे कि आपको पता है कि बोधगया बहुत फेमस है, बुद्ध भगवान ने यहीं पे अपना ज्ञान ग्रहण करा था। तो कभी टाइम मिलता है तो आते हैं यहाँ पे, बोधगया को एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। लोकल ट्रेन खड़ी हुई है और वहाँ लिखा हुआ है जसीडीह झाझा पटना गया जंक्शन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज बड़ौनी सोनपुर मुजफ्फरपुर, सब लिखा हुआ है भाई साहब, टोटल जगह जाती है का। तो अब लग रहा है धीरे धीरे परिचालन शुरू हो रहा है लोकल ट्रेन का भी। यह अपन लोग का गाड़ी खुल चुका है, ये गया स्टेशन ख़त्म हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, अब झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो ये लाइन जो ये रूट दिख रहा है आपको, वो पटना जाती है, और इधर जो जा रही है, जिस साइड में ट्रेन जा रही है, वो जा रहा है रांची। तो कोडरमा, उसके बाद बोकारो होते हुए रांची पहुंचती है ये ट्रेन। और पीछे पूरा कर्व आ रही है, पूरा नज़ारा मस्त आ रहा है। और सामने का भी नज़ारा भाई, माउंटेन शुरू हो चुका है। झारखंड की निशानी है कि जहाँ झारखंड में प्रवेश करते जाइएगा ना, माउंटेन शुरू होते जाएगा। तो दिखाते हैं आपको सामने का सीन। तो नज़ारा कैसा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मौका मिले तो आप छोड़िएगा मत, इस रूट में ज़रूर से ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा। बिहार में भी बहुत कुछ है भाई साहब घूमने के लिए, और झारखंड तो पहले बिहार ही था। तो अभी आने वाला है टनल, और सामने आ गया है, और ये बिहार में ही अभी पड़ता है। तो अभी टनल का मज़ा लीजिए, अभी 3-4 टनल मिलेंगे अभी। तो
ओ भाई साहब, पूरा अंधेरा अंधेरा कर रखा है यार। कहीं कहीं लाइट लगी हुई है, घर के अंदर भी चल रही है, बट ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और यहाँ पे इंद्र वगैरह है, आगे फिर मिलेगा दोस्तों, चलते आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये दूसरा टनल है भाई साहब, तो आप इसमें एंट्री कर चुके हैं और सामने ज़्यादा लंबा नहीं है बट है, टनल तो टनल होता है भाई साहब। हमने जो दिख रहा है वो तीसरा था, और ये प्रॉपर बिहार झारखंड का बॉर्डर आ गया है। और अब हम लोग, मेरा कैमरा और मैं पहुंच गए झारखंड में, और दिलवा याद रखिएगा, दिलवा वो आपका भाई पहुंच गया कोडरमा, और कोडरमा सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है इसकी, और ये 9:17 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद खुल जाती है। तो कोडरमा स्टेशन की बात करें तो उसका कोड है KQR और जोन पड़ता है ECR में। तो पहले 80 ट्रेनों का परिचालन था, अभी 12 ट्रेनों का परिचालन है। तो भाई साहब व्यूज तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो भाई साहब आपका भाई पहुंच गया है बोकारो सिटी, और ट्रेन जो है बिफोर पहुंचाई है 14 मिनट, तो अभी रुकेगी गाड़ी, वैसे स्टॉपेज है 5 मिनट का। बोकारो का जो कोड है BKSC, ये समुद्र तल से लगभग 790 फीट ऊपर है। और अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म 3 है और लाइन 7 है। तो अपन लोग अब बोकारो सिटी से कुछ देर में निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी बिफोर पहुँचा दी है, तो निकलेंगे कुछ देर में। अभी जो फिलहाल कोरोना टाइम में परिचालन हो रहा है ट्रेनों का, तो मात्र यहाँ से 10 ट्रेन का परिचालन है। कुछ बताना आपको भूल गए कि यहाँ से जो शुरू होता है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे शुरू होता है, तो ये दूसरा साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है, और उससे पीछे तो आपको पता ही है ECR। अभी ना 5 किलोमीटर पहले वेस्ट बंगाल में हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि पटना से जो रांची जाती है रूट, वो वेस्ट बंगाल होकर जाती है, मतलब बस जस्ट 5 किलोमीटर अंदर बस। तो भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं मुड़ी जंक्शन, और सामने आपका बोर्ड लगा हुआ है। मुड़ी पता है क्यों फेमस है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी के लिए फेमस है। फाइनली हम लोग का काम 25 हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं रांची जंक्शन। तो अभी तो रांची का कोड है RNC और 1908 में इसे बनाया गया था। बिफोर पहुंची है ट्रेन, जो पहुंची है लगभग 20 मिनट बिफोर पहुंची है। और यहां प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रैक हैं, और जोन जो पड़ता है साउथ ईस्टर्न रेलवे में पड़ता है, समुद्र तल से 2063 फीट ऊपर है। तो भाई पानी अगर लेना हो रांची स्टेशन पर, आप ले सकते हैं यहाँ पे। और हम एग्ज़िट की ओर अभी निकल रहे हैं, आपको दिखाते हैं एग्ज़िट क्या है। तो अभी यहाँ मात्र 10 ट्रेनों का परिचालन है। यहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा है, तो भैया काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है। तो भाई साहब बहुत साफ़ सुथरा है, पहले क्या था 70 ट्रेनों का परिचालन था और 19 स्टार्ट और 19 ख़त्म होती थी, अभी 10 चल रही है, कोई नहीं। और सामने जो दिख रहा है आपको 13:42, तो पहले पहुँचाइए इधर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।